डूबी थी कमलांगना, जब पयोधर में स्पर्श का द्वार था, रश्मिया भी रजत पाके स्वर्णिम हुई, अंजुमन में अनल जल तब उद्गार का। विक्रमादित्य पूछे सभा कक्ष में, आज शंका हमारी मिटा दे कोई, पुण्य क्या मैं किया था प्रभु जन्म में, कैसे राजा बना हूँ बता दे कोई। एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे हुए थे, राजसभा में बैठे हुए थे, और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे। राजा ने सवाल किया कि मैं सुनता हूँ कि आदमी के पूर्व जन्म का संस्कार उसके आगे आता है, तो मैं क्या ऐसा काम किया हूँ पूर्व जन्म में जो राजा हो गया हूँ। तो यहाँ पर एक गजल का भाव है, तर्ज है। जिसके सर पे हाथ हरदम गौस समदानी का है, हरदम गौस समदानी कहे, अरे जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी कहे, जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी कहे, जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी कहे। ये तो तर्ज है, लेकिन गाने का भाव है के वक्त के स्वर से गुजरना आदमी की शान है, वक्त के स्वर से गुजरना आदमी की शान है, वक्त के स्वर से गुजरना आदमी की शान है, वक्त के स्वर से गुजरना आदमी की शान है, और खुद को पहले जान लेना ही असल पहचान है, खुद को पहले जान लेना ही असल पहचान है, खुद को पहले जान लेना ही असल पहचान है। राजा जब सवाल करते हैं तो वहां का वातावरण क्या होता है, के भ्रमर गुंजार करके छिप गए थे फूलों में, भास्कर भूल गए भाव के वसूलों में, ज्योतिषी विद्वानों की बैठी भारी टोली थी, प्रश्न को सुन के सबकी बंद हुई बोली थी। राजा की बात सुन के सभी मौन हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। तब तक हुआ क्या के भूप हैरान हुए, कक्ष हुआ खाली है, बचा एक ज्योतिषी बोला बजा के ताली है। सभी लोग बारी बारी से सभा कक्ष से धीरे धीरे उठ के चलने लगते हैं, कोई रह नहीं जाता, सभा खाली हो जाती है। एक बूढ़ा ज्योतिषी बैठे रह जाते हैं, और बूढ़े ज्योतिषी को देख करके राजा कहते हैं कि महाराज क्या हुआ, मेरी बात को सुन करके लोग चले क्यों गए। बूढ़ा ज्योतिषी कहते हैं कि आपकी बात का किसी के पास जवाब नहीं था, इसीलिए लोग चले गए। कहते हैं तो आप बैठे रह गए, क्या आप जवाब देंगे क्या। कहते हैं मैं जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं जगह बतला दूंगा जहां आपके सवाल का जवाब मिलेगा। कहते हैं वो कौन सी जगह है। अरे मेरे सरकार जबकि कृष्ण वन में जाएंगे, वहां एक साधु होंगे भेद को बताएंगे। महाराज कृष्ण वन में चले जाइए, वहां एक साधु होंगे जो आपके सवाल का जवाब देंगे। राजा घोड़ा बढ़ाते हैं और कृष्ण वन में जाते हैं, वहां एक साधु महाराज नैन बंद करके भजन कर रहे थे। राजा अपनी अर्जी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक तर्ज है निर्गुणी भाव में। तर्ज है निर्गुणी भाव में। हाँ कैसे कर मनाई हो गुजरिया रूठल रात में, लेकिन राजा अर्जी करते हैं साधु से। हाँ
द्वारे हा भिखरिया पुजरिया बाबा बोलिया साधु आंख खोलते हैं, क्या बात है? राजा फिर सवाल करते हैं, अरे भेद बतावा साधु बाबा कहे भू बगुन करिया हो। जन्म में क्या किया हूं कि जन्म में राजा हो गया हूं? साधु कहते हैं कि यहां भी कुछ नहीं है, मैं बतला रहा हूं कि साधु बोले छत्तीसगढ़ राजा के खास दुआरिया हो। 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 अरे पैदा हो के रोज मरेला एक बालक गुण करिया हो पुजरिया बाबा बोलदा। छत्तीसगढ़ राजा के दरवाजे, उस नगरी में एक बालक रोज पैदा होता है, रोज मरता है। आज उस बालक की लाश छत्तीसगढ़ राजा के दरवाजे पर पड़ी हुई है, वही लाश आपके सवाल का जवाब देगी। राजा घोड़ा बढ़ा के चलते हैं कहां? छत्तीसगढ़ राजा के दरवाजे पर। लेकिन तर्ज बदल गई बाप, तर्ज वही बात के अंगने में फूल फूल नदी बजले बधैया दुवरे है। लेकिन गाने का भाव है के छत्तीसगढ़ जाय देख लगे राजा दनिया लसिया धैल हो। राजा देखते हैं एक बालक की लाश को लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं और राजा आवाज देते हैं के प्रश्न का जवाब पूछे लसिया से भाई आई है आवाज जाओ गांव मनिहारी भेदवा बताई हीरा धोबी के दुल्हनिया लसिया धैल हो दुवरे पर। राजा आवाज देते हैं अरे वो बच्चे की लाश मेरे सवाल का जवाब दे दे। लोग कहते हैं कि कैसा आदमी है ये, लाश से क्या पूछेगा और लाश क्या जवाब देगी। लेकिन जो राजा सवाल करते हैं तो लाश से आवाज आती है कि जल्दी चले जाओ मनिहारी गांव, हीरा धोबी का दुल्हन सारी बात बता दे। राजा वहां से मनिहारी गांव की तरफ चलते हैं, लेकिन अरे मैं खाने में तबाही आ गई सुषमा साज पयोधर चले भेदयल जाने।
राजा मनिहारी गांव की तरफ चलते हैं। और जब मनिहारी गांव पहुंचते हैं तो हीरा धोबी के दुल्हन पहले दुअर में भेटाए गई। दुल्हनिया से पूछे लगला राजा, हमारे बात का जवाब दे दे। लेकिन तरजवा वही बात कि कहावा का खाया रे चुनावा, कहावा का पान, कहावा कटी कुली, कहावा कटी कुली, लीला रवा मारे हो जान, कहावा धोबी के दुबारा पूछे राजा दनिया भेदवा कबरिया, पूछे पूर्व जन्म कहाल भेदवा कबरिया, करके सतकार राजा करम मनवा में ख्याल भेदवा कबातिया। इधर धोबिनिया से अब राजा पूछने लगे, वो कहते हैं मेरे दरवाजे पानी देना स्वीकार करें तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। राजा सम भाव लाते हैं और तब उसके दरवाजे पानी दाना करते हैं। तब धुबिनिया बतलाने लगती है, लेकिन तर्ज वह है बाप, तर्ज वही है कि रतिया होले गरमिया ना डोले है, तर्ज यही है, लेकिन गाने का भाव है कि धोबी घाट बोली राजा से धोबी आना, धोबी घाट बोली राजा से धोबी आना, धोबी घाट बोली राजा से धोबी आना। कह रही है कि महाराज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी और आप पूर्व जन्म में क्या किए, किस जन्म में राजा हो गए ये तो बताऊंगी, लेकिन ये भी बताऊंगी पूर्व जन्म में आप थे क्या। कि सुनला पहले जन्म के हाल, रहला तू मुसहर कला, प्यार से पलल माई बाबा कर जतनिया ना। पूर्व जन्म में आप मुसहर का लड़का रहला, आपने माता पिता के सबसे बड़ा लड़का, तुह से कहीं बात समझ आई, तुह से छोटा एक भाई, सबसे बाद में भैली तोहरी हम बहिनिया, बाद में भैली तोहरी हम बहिनिया, सबसे बाद में भैली तोहरी हम बहिनिया। अरे महाराज आप अपने माता पिता के सबसे बड़े लड़के, आपसे छोटा एक भाई और सबसे छोटी एक बहन जो मैं ही हूं। राजा कहते हैं करीब ये तो बड़ी आश्चर्य की बात हुई, ये धुबिनिया हमार बहिन बा, अच्छा देखा और का बतावे ले। धुबिनिया पहले जन्म की बात, पूर्व जन्म की बात सिलसिलेवार बतला रही है कि एक माँ बाप के तीन बच्चे नहीं, दो भाई एक बहन, एक परिवार के पांच सदस्य, लेकिन हुआ क्या और यहाँ तरज बदल गई कि गोरिया हो, अरे गोरिया हो बिजुरिया कहवा गिरी, गोरिया हो बिजुरिया कहवा गिरी, गोरिया हो बिजुरिया कहवा गिरी, भरल रसवा गगरिया कहवा गिरी, गोरिया हो बिजुरियो कहवा गिरी। ये तो तर्ज है लेकिन गाने का भाव है कि भैया हो समैया बज्जर भई, भैया हो समैया बज्जर भई, भैया हो समैया बज्जर भई, जग में दुख दैया बज्जर भइल, भैया हो समैया बज्जर भइल, सूखा पड़ल
नगरी में भारी अन्न बिना लोग भैलन दुखारी बज्जर भइल भैया हो समैया बज्जर भइल भैया हो समैया बज्जर भइल भैया हो समैया बज्जर भइल। सूखा पड़ गया नगरी में, लोग दाने दाने को मरने लगे और हम लोग तो गरीब, और गरीबी में सूखा पड़ गया तो और भी गरीबी आ गई, और भी दुख छा गया। और हुआ क्या, यहाँ एक तर्ज बदल गई बाप। अरे बड़की गोतिनिया मारे बड़की गोतिनिया मारे तनवा का बतिया पतिया रोई रोई लिखवाव जमतिया पतिया रोई रोई बतिया बतिया चूकी गई ना बतिया चूकी गई ना घाती भैली की समतिया बतिया चूकी गई ना घाती भैली की समतिया बतिया चूकी गई ना घाती भैली की समतिया बतिया चूकी गई ना। माई कहीं से लाई मांग के थोड़ा यहाँ नवा रोटिया बना के धैली सबके समानवा। गरीबी में माई कहीं से एक पसर यानी मांग के लाई और पीस के एक ही रोटी बना पाई, और एक रोटी के पांच टुकड़ा बना ले एक बाबू के, एक माई के, एक बड़का भैया, एक छोटका भैया, एक हमके, पांच टुकड़ा एक रोटी के बनल और सबके मिलल, लेकिन अभी कोई खाया नहीं है। तब तो हुआ क्या कि अरे तब ले भिखारी द्वारे आ गईल संगतिया बतिया चूकी गई ना भूलल स्वार्थ में जगतिया बतिया चूकी गई ना भूलल स्वार्थ में जगतिया बतिया चूकी गई ना भूलल स्वार्थ में जगतिया बतिया चूकी गई ना हाँ बतिया चूकी गई ना बतिया चूकी गई ना हो बतिया चूकी गई ना भूलल स्वार्थ में जगतिया बतिया चूकी गई ना भिखारी आवाज दिया कि कुछ हमारा भी ख्याल करो। अरे वही दिन बिगड़ल दुनिया में समैया हमारे भैया हो वही दिन बिगड़ल दुनिया में समैया हमारे भैया हो और डगमगात धारा में डूबल नैया हमारे भैया हो मंगा को द्वारे अपने फटकारे हो माई गारी देव लगली छोटका भैया मारे हो अरे क्रोध में हम कहली तही समैया हमारे भैया हो कि गंदा कतहू खा जाके मुदैया हमारे भैया हो। बाबूजी भिखारी को दरवाजे पर फटकारने लगे कि कई रोज पर एक टुकड़ा रोटी मिला तो तू भी आ गया हिस्सा बटाने के लिए, भाग गया दरवाजे से भिखारी, लेकिन नहीं गया। तब तक से माई गारी देव लगली तब भी नहीं गया। छोटका भैया उठ करके धक्का दे देते हैं तब भी भिखारी दरवाजे से नहीं गया। हमारे मुंह से निकलल की रोटी का खैबा कहीं गंदा खाप हाय धनवा मां की ऐसे नहीं धनवा हो घटेला और लेकिन यह धर्मवा से घट जलाई मान घटेला लेकिन आधरा मावा से घट जलाई मार बाबू फटकार रहल झुकी दुआरे पर अपन के भिखारी आज घूम हर मकान माई जवन गारी दहल रहली दुआरे पर अपन
के कुत्ती गांव गांव घूमली सुजाया। छोटका भैया जवन मरल रहल डंडावा से अवन के नरकवा हो गई बाबू दरवाजे पर भिखारी को फटकारे तो आज भिखारी बन के गांव गांव घूम रहे हैं। माई गारी दिलन तो आज कुत्ती बन के गांव गांव घूम रहे हैं। छोटका भैया धक्का दिलन तो आज नरक का धक्का खात में रोज पैदा होलन रोज मरलन। वही जो छत्तीसगढ़ राजा के दरवाजे जो लाश देख के आए छोटके भैया का लाश रहल और जो साधु मिलल रहन वही बाबू जी हों और गाँव के बाहर एक कुत्ती मिलल रही वही माई हो और हमारे मुँह से निकलल कि रोटी का खाइबा कहीं गंदा खा तो जौने कारण धोबी घर ले के जनमा सब कर गंदा आज साफ करी सिरमा। हम लोगों ने जैसा किया आप उस प्रकार से हम लोग अपनी गलती को भोग रहे हैं लेकिन आपने क्या किया मूल बात पर पहुंचा रही है और कह रही है जो राजा खोजने निकले हैं उस बात को अब बता रही है। सब बताने के बाद सिलसिला यही राजा की बात का निकलता है क्या आप हाय है अरे स्वागत में हिमालय कब हिलल बचोटिया और राजा हो गईला बिरनवा खिया के रोटिया। खुदा पीर से पागल वह भिख मंगा रोटी खाके लाख दुआएं दिया तुम्हें भैया उस दिन हरसा के जैसे पवला सिंगा सनावा किया के रोटिया। सभी ने तिरस्कार किया लेकिन आपने भिखारी को दरवाजे पर उठा लिया और बड़े आदर के साथ आपन हिस्सा रोटी दे के अपने भूखल रह गिला और भिखारी के खिया के और जब भिखारी एक टुकड़ा रोटी पाया और एक चुल्लू दो चुल्लू पानी पिया उसके मुंह से निकला कि जा भैया जे हमार छुदा जोड़ो वलस भगवानों के राजा करे वही फल आपको मिला है जो आप राजा हुए। राजा इतनी बात सुने सोच रहे हैं कि ये बात तो मिली कि मैं कैसे राजा हुआ हूं लेकिन आज परिवार कष्ट में बाप तो करके इकट्ठा सबको राजा अपने महल में लाए देकर के सम्मान उन्हें काफी तिरद करवाए छूटल मानक गुहनवा खिया के रोटिया। अब कभी अपनी बात कहते हैं कि किया हुआ उपकार कमी अब व्यर्थ नहीं है जाता करनी का फल देते सबको जग में भाग्य विधाता राजा के खुलल किया नवा खिया के रोटिया। गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरबा का स्वर्ग गए चंडिका कभी बच्चन का भी जब पता का अरे मैं खाने में तबाही आ गई राम तक कब नरेश का परख प्रेम सयाने मैं खाने में तबाही आ गई। बांधी हा गठरिया गोरिया पी
मैया के प्यारी जैबू पिया गा के प्यारी जैबू पिया गा भाजी भाजी कर स्वामी का सेवा कर ली है प्यारी प्यारी पतिया डोलिया कहार बाजा चुनर सब गतिया बारी बारी भेटाया कवरिया ये गोरिया पिया के प्यारी सहेलिया ठाट से सजाई है तुहके लगबू नबेलिया लाली लाली पहिरा चुनरिया गोरिया पिया के प्यारी बाबा का दुलार छुटी रंगी हवेली झरा झरा बारा सीना जरिया ये गोरिया पिया के प्यारी अरे गठरी में बंद तोहरे रही है हो थाती कोई नहीं सुनी है पुकारिया गोरिया पिया के प्यारी लगी है अनहरवा जनवा बचाई छोड़ी भगी है कहरवा चारी ओर लाऊ किया अनहरिया गोरिया पिया के प्यारी भजला गणेश हो रामलाल बच्चन अमर चंद्रिका संदेश हो राजा माणी मिली हया जोरिया ये गोरिया पिया के प्यारी